नमस्कार, आप देख रहे हैं कमिंग अप न्यूज। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो अभी हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो से अपडेट रहें। क्या हुआ, इतने दिन प्रतीक्षा की और थोड़े दिन प्रतीक्षा करें, इसमें क्या हो। रामलला अपनी जगह विराजमान है, पूजा हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो उससे क्या वाला होता है, बिगड़ता है। हाँ, मंदिर तो बना हुआ है, भगवान राम उसमें टाट पट्टी भी भरे हैं, महल में भी रहते हैं, झोंपड़ी में रहते हैं, भगवान के भक्त फसल हैं। तो जो भी न्यायालय ने को कहा गया है उसके अनुसार समय पा करके योगी जी और मोदी जी के काल में निश्चित ही रामलला जहाँ विराजमान है, देवी भव्य मंदिर का निर्माण होगा। समय समय पाए जो शुक्र सुहाए, समय पा करके सब होता है। अब मोदी जी योगी जी के काल में हमें हम लोगों को, जनता को, धर्मात्मा को, धर्माचार्य को विश्वास है कि मंदिर का निर्माण होगा। समय में सर कितनी समितियां बनती रहती हैं, विश्वास भगवान पर है, भगवान के बाद भगवान की कृपा से रामलला जी विराजमान है, देवी भव्य मंदिर बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। बिल्कुल, अब जल्दी समय आ गया है, देर नहीं है। अरे चुनाव से क्या लेना देना, राम जन्मभूमि राम मंदिर अपना अपना स्थान अलग रखते हैं, चुनाव तो होते रहते होते जाते रहते, इसे लेना देना नहीं।